কুলটির 65 নম্বর ওয়ার্ড হাসনপুরা মহল্লায় ফাঁসির মঞ্চ থেকে এক বৃদ্ধার ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। নিহতের পরিচয় পাওয়া গিয়েছে শেহনাজ খাতুন রূপে। তবে ঘটনাটি অন্যভাবে দেখা হচ্ছে, কারণ তার ছেলে ও পুত্রবধূর বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ এনেছে মহিলার কন্যা ও জামাই। ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায় পুলিশ। সন্দেহের ভিত্তিতে ছেলে ও পুত্রবধূকে হেফাজতে নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। দেখুন এই বিষয়ে কি জানালেন স্থানীয় কাউন্সিলর। হাসানপুরা মহল্লা ইমলি তালাব কে পাস শাহনাজ খাতুন বোল কে কওয়াতে উনকা হাজবেন্ড জো হ্যায় লেট সালাউদ্দিন নাইয়ার উনকা ওয়াইফ জো হ্যায় কি ফাঁসি লগা লি থি ইয়া লগা দিয়া গিয়া অভি কনফিউজন হ্যায় মহল্লা কা লোক কো ভি ঠিক হ্যায় না তো বডি অভি পুলিশ লেকে গিয়া হ্যায় উসকে লিয়ে ফির পোস্টমার্টম কে লিয়ে যায়েগা উসকে বাদ ইয়ে সব কুছ ক্লিয়ার হো যায়েগা। দুঃখজনক ঘটনা এক তো माने ये घटना जो है कितना बजे हुआ है घटना? ये करीब करीब 11 बजे का लगा। तो जिसको फांसी लगाया गया है तो या जो जिनका बॉडी जो आप बता रहे हैं कि अभी सस्पेंस बरकरार है, तो क्या लग रहा है आपको कि पारिवारिक झमेला का कारण ऐसा हुआ है कि और कोई मैटर है? देखिए कंप्लेन हो रहा, पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, उसके बाद जो है कि जो निकल के सामने आएगा सच्चाई सामने आ जाएगा। ময়না তদন্ত রিপোর্ট আসার পর স্পষ্ট হবে এটি খুন নাকি আত্মহত্যা। कैसे घटना कैसे हुआ ये थोड़ा सा आप डिटेल्स बताओ। सुबह में मालूम चले बाबू, हम तो अपना सावर के पीछे डर 2 साल से परेशान है, हम लोग कभी नहीं आते। मेरा माँ यहाँ से जाती थी, पूछते थे अम्मी कोई बात हुआ? नहीं बेटा कोई बात ना, यहाँ लोग डेली लड़ाई झगड़ा मेरा अम्मी का साथ में। तो आपकी ये आपकी माँ थी? मेरी माँ थी। तो अच्छा, तो क्या आपको लग रहा, माने किसी साजिश, कौन साजिश किया क्या? हम कैसे कर सकते, मगर अब कहीं हमको तो बुरा लग रहा है, यही लोग लगे कुछ। तो ये लोग जिसके बारे में बोल रहे कुछ किया, वो लोग कौन था? मेरा एक भौजाई है और मेरा एक छोटा भाई है, बड़ा वाला भाई बाहर रहता है। तो यही लोग साजिश के तहत क्या ऐसा घटना को अंजाम दिया, क्या आपको क्या लगता है? हमको तो लग रहा है मगर ये लोग हर घड़ी लड़ाई झगड़ा मेरा माँ का साथ करती थी यार। घटना कितना करीब कितना बजे हुआ? हम लोग को नहीं मालूम, अभी तो घर में थे। क्या घटना कैसे हुआ? हम लोग जैसे कि दरवाजा खोले, दरवाजा तोड़ के घुसे तो देखे कि फांसी में लटका हुआ है, लटका हुआ है तो मतलब एक कुर्सी लगा हुआ नीचे और उसके ऊपर प्लास्टिक की कुर्सी लगा हुआ है और लेडीज टांगा हुआ है। 2 गिट्ठा गर्दन में बांधा हुआ था, 3 गिट्ठा ऊपर, यही हम लोग देखे। तो उसके बाद आपने जो है तत्काल जो है खोल के उतारे और उतार के लेटा है, तो प्रशासन को आपने खबर किया? हाँ, प्रशासन को ये भी देखे थे। तो क्या लग रहा है आपको कैसे कि जो कुछ पारिवारिक झमेला था, क्या पारिवारिक झमेला अब क्या हुआ? बगल अगल बगल वाला बोल रहा है कि पारिवारिक कल झमेला हुआ था रात में 9 बजे। बताया जा रहा है कि प्रशासन ने किसी को उठाया भी है, थाना लेके गया, तो कौन है वो? उसकी एक बहू है और एक बेटा है। तो क्या लग रहा है कि बहू और बेटा के कारण जो है ये? हाँ, वो तो हमेशा झमेला होता था, वो लोग से हमेशा होता था, अलग अपना वो खाना उना बनाते थे बस यही। तो ये क्या घटना को इन माने साजिश के तहत ये घटना अंजाम दिया गया क्या, आपको क्या लगता है? उतना तो हम लोग पता नहीं, लेकिन हो सकता है। कुलटी थेके वसीम खान रिपोर्ट 24 घंटा लाइव। সুস্থ থাকতে চাই উচিত চিকিৎসা, আর সঠিক চিকিৎসার জন্য প্রয়োজন সঠিক রোগ নির্ণয় এবং বাস্তবিক পরীক্ষার জন্য দেশের অগ্রণী সংস্থা হল ডক্টর লালপাত ল্যাবস। অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে সমস্ত রকম রক্ত মলমূত্র পরীক্ষায় এক বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান এখন বাড়া করে। ডক্টর লালপাত ল্যাবসের বারাকর শাখায় সমস্ত রকম পরীক্ষায় পাবেন 20% ছাড় এবং বাড়ি থেকে স্যাম্পল কালেকশনের সুব্যবস্থা।